तो ये मालूम पड़ेगा।
लेकिन जो फ्रांस एक्ट की बात है वो यहाँ करना मेरा नहीं चाहते कोई सीरियस मैटर है, इसको हम सेपरेट रखते हैं, हम पढ़ते हैं, आप पाकिस्तान पढ़ते हैं, आप तमाम वर्गों का दोस्त मेरे कुलीन जो बहुत ही अपना शुक्रिया मेरी खुशियों में शामिल हुए। और वैसे मैं मुझे दौड़ना भी चाहिए तो मच्छे हैं इसलिए व्यक्ति कर रहे हैं आप वहाँ जहाँ तक मेरा सामने घुमाया है भगत के हवाले से जहाँ तक हमारे प्रोफेशन में फीसों का मियार है ना उसके लिहाज से ख्याल है खुद का खुद एहसास हो जाएगा कि काम इतना आसान नहीं रहा जितनी फीस हम पहले लेते रहे। तो इसलिए अपनी फीस से अपने जिम्मेदारी चुके हमारी लाने के हवाले से टैलेंटों के हवाले से नया चुनाव आया है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी उसके हासिल है। तो इसलिए खास कर मुख्तार होते हुए अपने प्रोफेशन को उजागर करें और उसको बाबार तरीके से फीसें मामूल लें और जस्टिफाई करें। इसलिए इंसाफ के साथ मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ मेरे बक्तदार मेरी खुशियों में शामिल हो रहे और दोस्तों के साथ अल्लाह करें इसी तरह कायम रहें और बच्चों के सेहत अल्लाह तक। थैंक यू और कोशिश की है कि जहाँ पे भी आप दोस्तों की रहनुमाई से हम इदारे की बेहतरी के लिए और अपने दोस्तों की बेहतरी के लिए जो कोशिश कर सके वो हमने पाकिस्तान के अखबार के फॉरम से भी और पंजाब बार काउंसिल के फॉरम से भी वो आपको बेहतरी इंशाल्लाह नजर आएगी। लेकिन उससे मैं एक साथ हमेशा अर्ज करता हूँ कि उससे आप दोस्तों की रहनुमाई आप दोस्तों की पॉजिटिव तस्वीर आप दोस्तों का ही हौसला आप दोस्तों की हौसला अफजाई मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव साइड रही है। आइंदा भी अगर कोई दोस्त कोई भाई आप मेहमान जैसे भी मेरे लाइफ कोई भी खिदमत हो तो लाहौर में पाकिस्तान अखबार में पंजाब काउंसिल में आपका नुमाइंदा बैठा हुआ है आप ही बैठे हुए हैं वहाँ पे कि आप दोस्तों की इज्जत अफजाई है आप दोस्तों की इज्जत का मौका है कि उस इदारे में आप खुद सहयोग है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला की इज्जत आप दोस्तों की वजह से इजाफा करेगा और आप दोस्तों की इज्जत का पाओ। मैं एक मरतबा फिर आप दोस्तों से मानता हूँ आज की गैरहाजगी के लिए लेकिन आप अपने दरमियान मुझे ऐसे ही महसूस करिएगा कि जैसे मैं आप दोस्तों के दरमियान मौजूद हूँ और इंशाल्लाह आप इकट्ठे एक जो नेक्स्ट का फर्स्ट वीक से ही सफर का सिलसिला प्लान कर रहे हैं कोविड के बाद तो तमाम दोस्तों से मेरी वो भी गुजारिश होगी कि आपस में इकट्ठे मंजूर के जैसे यहाँ रहते हैं वहाँ का भी हम प्रोग्राम इस समय पॉजिटिव ही करें और दो साल की कमी को भी दूर करें। एक और गुजारिश इसी तरफ से कि आप ये इलम में है कि इनकम टैक्स रिटर्न 2021 उसका काफी आ चुका है और वो फाइनल सिस्टम पे अपलोड हो चुकी है तो यकम जुलाई 2021 से उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस सिलसिले में भी अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो कोई उसने कमी बताई समझे तो वो हमारे इलाके में जरूर देख जाए। दोबारा टैक्स बार की कंट्रीब्यूशन आप दोस्तों की और हमारे सीनियर राणा अकरम साहब की मौजूदगी में इनकी रहनुमाई के साथ ही हम दोस्तों की खिदमत के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो उसका ये जरूर है कि तमाम प्रोफेशनल दोस्तों से बात होगी अपने तमाम क्लाइंट को अपने तमाम प्रोफेशनल दोस्तों को ये गुजारिश करें
रिक्वेस्ट करें कि अपनी रिटर्न 3 सितंबर तक जितनी मैक्सिमम नकल इंफॉर्म हो सके वो जरूर फाइलिंग की तरफ फेंके जाए। उनको आप डिले ना करिएगा, उनको रोके ना कि वो मैक्सिमम पहले टाइम ही फाइल हो सके, उनको पास पास करते जाइएगा। एक और हॉट इश्यू जो 114A के हवाले से उसमें सदर पॉइंट है, मद्रासा की तरफ से भी एक वाजिया पैगाम और आप दोस्तों की क्लैरिफिकेशन आप दोस्तों की माध्यम से जारी हुआ कि सेक्शन 114A फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत ऑडिट हो चुका है और उसने जो आपकी 30 जून 2021 की टाइम लिमिटेशन थी और फाइल अपडेशन थी वो अब नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो बैंक अकाउंट अपडेट करने की कंडीशन है वो वहाँ मौजूद है। तो काइंडली अपनी प्रोफाइल को रेगुलर अंदाज जरूर अपडेट करें, उसको छोड़े नहीं, लेकिन आपसे जो इस टाइम लिमिटेशन की जरूरत थी वो आपसे दूर कर दी गई है, उसकी डेडलाइन खत्म कर दी गई है। इसलिए अपने क्लाइंट को इससे फरीब जिम्मा ना करिएगा, इसलिए बरादराना प्रोफेशनल रिक्वेस्ट है, लेकिन जहां तक हो सके उसका डेटा उसकी प्रोफाइल में जरूर अपडेट करें। जी अगर आप लोगों में से कोई मेरे इलाके में इजाफा करना चाहे, कोई मसला कोई प्रॉब्लम आपके अंदर जैसा कि आपके यहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बड़ी मेहरबानी आपका शुक्रिया, आप नहीं भी आए फिर भी आप हमारे दरमियान हैं, आपकी मजबूरी का हमें इलम हो गया है। तो बात ये है ये जो है ना अब एक दो वीक में काइंडली ई ऑडिट पे और फाइनेंस एक्ट पे कोई मीटिंग की जाए और बेशक वो ऑनलाइन ही हो, ई ऑडिट में भी बड़ी इनोवेशन आई हैं तो उसको भी काइंडली हर दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू जी। ओके बिल्कुल ठीक है, आपकी तजवीज़ आपकी राय इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से भी, ई ऑडिट के हवाले से और फाइनेंस एक्ट 2021 इन तीनों के हवाले से और जल्द ही डॉक्टर टैक्स वायर के फोरम से भी इसका जो वेबिनार का प्लान होता है या फिजिकली सेमिनार का प्लान होता है कुछ सूरतों में वो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जल्द ही आपके लिए तमाम मसाइल में भी रहनुमाई आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपकी वक्तों का एक मरतबा फिर मशहूर। राणा साहब आपको जिंदगी की निभा रहे हैं ये सालगिरह अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ मुबारक को। अल्लाह ताला खैर अफियत के साथ आपका साया हमारे सरों पर आमीन, आपकी दुआओं के साथ, आपकी दुआओं के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ, आपकी मोहब्बतों का कर्जदार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दुआओं के में शामिल रखा है। अल्लाह ताला आपको भी बच्चों के सरपरस्ती करने के लिए आपको सेहत और जिंदगी दे और दोस्तों के साथ हमारे साथ आमीन।